बॉलीवुड के सितारे केवल अपनी फिल्मों के कारण ही नहीं बल्कि विवादों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें बॉलीवुड सितारे कानूनी विवादों में फंसे हैं और यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में बॉलीवुड के उन सेलेब के बारे में जिन्होंने जेल की भी हवा खाई है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सैफ अली खान। सैफ अली खान को मुंबई के एक 5-स्टार होटल में डिनर के दौरान एक बिजनेसमैन को घूंसा मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ताज होटल के वसाबी रेस्टोरेंट में सैफ और उनके दोस्त एनआरआई बिजनेसमैन के साथ विवाद के 2 साल बाद अदालत ने उनके खिलाफ धारा 325 और 34 लगाया। नंबर 2, फरदीन खान। फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने 2001 में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले के 12 साल बाद 2012 में मुंबई सेशन कोर्ट ने फरदीन को बड़ी राहत देते हुए प्रोसिक्यूशन से छूट दी थी। अदालत के आदेश के बाद फरदीन को सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी जाना पड़ा था। नंबर 3, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को रैश ड्राइविंग मामले में मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। बांद्रा की एक अदालत ने जॉन अब्राहम को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी गई। नंबर 4, सीने आहूजा। लाइफ इन मेट्रो, गैंगस्टर जैसी फिल्म में काम कर चुके सीने आहूजा को 2009 में नौकरानी से रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर 2008 में घर में काम करने वाली 20 साल की नौकरानी ने रेप के आरोप लगाए थे। आरोप साबित होने पर उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। 3 साल जेल काटने के बाद सीने आहूजा को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका फिल्मी करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। नंबर 5, राजपाल यादव। राजपाल यादव को नवंबर 2018 में 5 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के कारण जेल हो गई थी। राजपाल और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस मामले में दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट के खिलाफ कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज कराया था। आरोप साबित होने पर राजपाल 3 महीने तक जेल में रहे थे। नंबर 6, संजय दत्त। मुंबई धमाकों के वक्त गैर कानूनी हथियार घर पर रखने के लिए संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई। जेल जाने से पहले संजय दत्त का करियर अच्छा चल रहा था। संजय दत्त जेल गए और 2016 में सजा काटकर वापस लौटे। जेल जाने से उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिल्मों में दमदार वापसी की। नंबर 7, अंकित तिवारी। फिल्म आशिकी 2 में सुपरहिट म्यूजिक देकर मशहूर हुए सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी पर उनकी एक प्रेमिका ने रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 1 हफ्ते के बाद जमानत पर रिहा हो गए। नंबर 8, शाहरुख खान। एक बार पत्रकार से बदसुलूकी के आरोप में शाहरुख खान जेल गए थे। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने डेविड लेटरमैन को दिए इंटरव्यू में किया। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके और एक को स्टार के बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए एक न्यूज एडिटर के साथ उनका झगड़ा हो गया था। नंबर 9, सलमान खान। विवाद और कामयाबी सलमान खान के साथ साथ चली है। उन पर कई मामले दर्ज हैं। हिट एंड रन और काले हिरन का शिकार मामले में वो जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन जेल जाने से सलमान के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फिल्में मिलती रही और उनका करियर संवरता रहा। आज सलमान टॉप अभिनेताओं की लिस्ट में आते हैं। नंबर 10, रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप में रिया चक्रवर्ती को 9 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती को रिहा कर दिया गया है। नंबर 11, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को गांजा लेने और घर पर गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में भारती सिंह ने कबूला कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे और इन दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें जमानत मिल गई थी। नंबर 12, सूरज पंचोली। सूरज पर गर्लफ्रेंड जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने लंबा समय जेल में बिताया था। जिया ने 3 जून 2013 में अपने मुंबई स्थित फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। सूरज को तकरीबन 1 महीने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। नंबर 13, इंदर कुमार। एक्टर इंदर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। सलमान खान के साथ वांटेड और तुमको ना भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में दिखाई दिए इंदर कुमार को एक मॉडल का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नंबर 14, आर्यन खान। इस लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी है, जिन्हें 2 अक्टूबर 2021 के रात को अरेस्ट किया गया। एनसीबी ने एक लग्जरी क्रूज पर छापामारी की, जहां पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में से जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया, उनमें शाहरुख खान के लाडले का नाम भी है।
नंबर 15 मोनिका बेदी। एक्ट्रेस मोनिका बेदी को मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के साथ पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया था। जाली दस्तावेज रखने के जुम्मे मोनिका को जेल भी भेजा गया था। हालांकि बाद में जेल से बाहर आने के बाद वे एक बार फिर फिल्मों और टीवी में एक्टिव हो गई। उनका बॉयफ्रेंड अबू सलीम अभी भी जेल में है और उस पर हत्या सहित कई गंभीर आरोप हैं। तो दोस्तों, ये थे वो बॉलीवुड के सेलेब जो जेल की हवा खा चुके हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।